ये भी अंदर जा रहा है, मगर फिर भी मैं जब मैं घूमता हूँ तो एक चीज मैं पाता हूँ कि ये जो सामाजिक समीकरण 2014, 2017, 2021 में बने थे ना, वो बहुत टूटते नहीं दिख रहे। जो दिख रहा है वो एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स के खिलाफ ज्यादा दिख रहा है। एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स के खिलाफ लोकल लेवल पर, और इसी वजह से बीजेपी ने तैयारी तो बड़ी बड़ी करके रखी थी। खबरें यहां तक आ गई थी कि 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट लेगी, लेकिन बाद में जब भगदड़ मच गई तो फिर सबको रोकने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। तो ऊपर की लेवल पर नहीं, लेकिन जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं, नीचे के लेवल पे विधायकों से नाराजगी है। तो क्या वो समाजवादी पार्टी को फायदा कर जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसको लेकर तमाम और सहयोगियों के पास हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं दंगे शब्द की एंट्री आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किस तरह से करवाई गई है, और इसको लेकर माहौल कितना हो चुका है यूपी का गर्व। भाइयों बहनों, ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम एक नया नाम पढ़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। तो इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पहले तो लंकेश होता था, लेकिन ये नया शब्द है दंगेश, जिसकी एंट्री मुख्यमंत्री ने करवा दी है। लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी शुभांकर सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा बताइए, दंगेश की मुख्यमंत्री ने एंट्री करवा दी है, बार बार दंगाई, पुरानी सरकार और अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाली, आतंकवाद को लेकर साइकिल को जोड़ दिया गया समाजवादी पार्टी से, तो ये किसको फायदा किसको नुकसान कर रहा है, और मौजूदा जो लखनऊ का मिजाज है वो क्या कह रहा है, और आप कुल्फी बहुत खा रहे हैं तो माहौल ठंडा हो चुका है या गर्मा गर्म दिखाई दे रहा है आपको? देखिए चित्रा, जैसे हमारे दोनों सहयोगियों के सामने खाने का ढेर लगा हुआ है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दों का ढेर है। जैसे ये दोनों, इन दोनों में बिजी हैं, ऐसे ही दो बड़ी पार्टियां हैं जो कई सारे मुद्दों में बिजी हो गई है। ये हमारा नहीं है, सारा शुभांकर का है, और वो बता रहे कि शिफ्ट कर दिया था इधर, मैंने भी देखा है अपनी आंखों से। आप बिल्कुल महिला वोट बैंक बड़ी है, ऐसे ही आरोप जो है ये सारी पार्टियां दूसरे पर लगाते जा रही है। कांग्रेस ने एक नारा दिया है चित्रा, लड़की लड़ सकती हूँ। शुभांकर ने बड़े प्यार से हम सबके तरफ, ये मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए समोसा है, इसमें जलेबी भी है, गोलगप्पे भी हैं, सब हमारी तरफ सरका दिया और धीरे धीरे करके लेके लेके खा रहे हैं। मुझे लग रही है कि लड़की हूँ सब खा सकती हूँ, इसलिए शायद शुभांकर ने सब यहाँ पे लगा दिया। ये बहुत सरासर नाइंसाफी है चित्रा, ये हम आपको बता दें। देखिए दो बात हम आपको बताते हैं, एक तो रिपोर्टर इधर से भी कुछ सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, एक तो मौसमी बहुत मौसम का मिजाज जान के अलग अलग जगहों से आ रही है। नहीं, अभिषेक की तरह मैं बोल रही हूँ, एक तो नेता कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता तो रिपोर्टर माइक छोड़ने को तैयार नहीं होता। और दूसरी बात, लखनऊ की दो चीजें फेमस है, किसी से भी पूछ लीजिए, एक है आलू की टिक्की और मटर, मतलब चाट तो फेमस है, इन दोनों में कंपटीशन होता है। तो ऐसे ही कंपटीशन चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, अब किसको चूज करेगी जनता, ये देखना पड़ेगा। दो चीजें हैं जी, और मौजूदा राजनीति भी माना जा रहा है, एक और बीजेपी है, दूसरी और समाजवादी पार्टी है, तो जो तीसरी और चौथी पार्टियां हैं वो अपना दम तो लगा रही है, लेकिन माहौल बना पा रही है खुद के लिए, वो अभी बाहर काउंटर पे ही रखी गई, काउंटर पे पहुंच ही नहीं पाई ऐसे स्टेज पे। आप जनता से पूछ लीजिए। सुप्रिया आपकी बात से थोड़ा डिफर करूंगी कि जैसे पंजाब से मैं आ रही हूँ, वहाँ मक्की की रोटी और साग के ऊपर जो चर्चाएं चल रही, मक्खन डाल के, तो मक्खन एक एक्सपेक्टर होता है, और यहाँ पर भी जो गोलगप्पा है वो एक्सपेक्टर है, पानी जो पूरी है जिसको हम काफी देर से सब देखे, डिफरेंट डिफरेंट में आपका उछल भी रहा है। हाँ, वो कह रहा है कि मैं खा लो मुझे। एक्चुअली सुप्रिया ने दो प्लेट खत्म कर दी। साजिश हो रही है शुभांकर की तरफ से। माइक लीजिए, ये साजिश हो रही है बेचारे शुभांकर को, मैं बेचारा शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल के लिए बेचारा शब्द यूज किया था, बेचारे चाचा, तो बेचारे शुभांकर के साथ साजिश हो रही है इसकी आवाज को काटने की। तो माइक आपके पास। कुल मिलाकर चित्रा, माहौल बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपको इस टेबल पर नजर आ रहा है, सारा सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, पता ही नहीं चल रहा है, मुद्दे यहाँ पड़े हैं और दो पार्टियां ऐसे ही आपस में लड़ती जा रही है। माइक माइक माइक, बिना माइक के एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ऐसे पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि सरसों के साग और मक्की की रोटी के साथ एक मक्खन था, ऐसी दो और पार्टियां बीएसपी और साथ में कांग्रेस, उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। जैसे अकाली दल को पंजाब में से हमने पहले रूल आउट कर दिया और बाद में डार्क हॉर्स बन के निकल आए, सो कांग्रेस कितना डेंट कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को फिर से उसी मुद्दे पे बैक में महिलाओं के मुद्दे पे शिफ्ट किया, और बीएसपी का जो वोटर हमेशा साइलेंट रहता है, मायावती जी को भी कम हम लोग नहीं आंक सकते हैं। सो यानी कि गोलगप्पा जो है उसकी अपनी मिजाज है। मायावती जी जहां पर जा रही है माना जा रहा है माहौल वहां का बदल जा रहा है। मैं आपके पास फौरन लौटूंगी और हमारे और सहयोगी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, कल चौथे चरण का मतदान होना है, लेकिन पांचवें चरण को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। अखिलेश यादव
पहुंचे कौशाम्बी की सराथू सीट पर, जहां से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैदान में हैं। पल्लवी मौर्य, जो कि अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है, पल्लवी पटेल, उनकी सियासत वहां पर दांव पर है। कामवादी पार्टी से उनको सहयोगी दल बनाकर उतारा गया है अखिलेश यादव की ओर से मैदान में। अखिलेश ने जोरदार हमला आज किस तरह से बीजेपी पर बोला, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता आशुतोष ने, सुनिए। जहाँ पर आए हैं, मैंने देखा आपका भाषण सुन रहा था, स्टूल वाले मंत्री, इन सब के बीच में जो रफ्तार है उनका दावा 300, आपने हम आज तक के मंच पर कहा कि 400, तो साइकिल की रफ्तार कहाँ तक पहुँची? देखिए, समाजवादी पार्टी को जनता ने पहले चरण में समर्थन दे दिया है, पहले चरण, दूसरे चरण में शतक लगा है, और उसके बाद जो तीसरा चौथा है, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि समर्थन और बहुमत चौथे चरण के बाद हो जाएगा। सातवें चरण तक ऐतिहासिक बहुमत सरकार बनने जा रही है गठबंधन की। आपके गला तक खराब हो गया चौथे कैंपेन के प्रचार के दौरान, देखो आवाज बैठ रही है धीरे धीरे। आप भी अगर फील्ड में रहोगे, फील्ड में क्योंकि एक दिन में कई भाषण देने पड़ते हैं, चलो हमारा तो गला गया है, लोगों के चेहरे उड़ गए हैं, लोगों की हवा खराब है, सोचो क्या मुद्दे हैं। आज मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा महंगाई का है, कोरोना में जान गई, लॉकडाउन में जाने गई, आप हैं, आप भी एक प्रेस के उसमें हैं, कोरोना और लॉकडाउन के समय आपका भी वेतन कम हो गया होगा, तो सोचो कोरोना में क्या सामना किया जनता ने। आज ये जितने खड़े सब नौजवान हैं, ये सब बेरोजगार हैं जिनके 5 साल बीजेपी ने खराब किए, और क्या दिल्ली में सपना दिखाते हैं, 70 लाख नौजवानों को नौकरी दी, क्या ये नौकरी की बात कहेंगे आके यहाँ, क्या रोजगार की बात कहेंगे? और सोचो बीजेपी के बड़े नेता क्या कह रहे हैं, 12वां पास करने के बाद जो इंटर पास करेगा उसे लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है ये तो नहीं कहा इन्होंने कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां पास करेगा उसे लैपटॉप देंगे। युवाओं के साथ मैंने आपका कनेक्ट देखा, वो जिस जोश में आए वो रिस्पांस दिख रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री या बड़े नेता जब आतंकवाद का मुद्दा ले आए, 2008 का जो फैसला आया और उस पर सीधा निशाना साइकिल पर है, क्या आपको लगता है आगे के फेजेस में अगर ये मुद्दा बनता है तो आपको उससे छवि का नुकसान? आप बहुत बड़े नेशनल चैनल के एक पत्रकार लग रहे हैं, शायद बहुत पहली बार मैंने आपको देखा होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी अपने नाकामी पे वोट मांग रहे हैं, उस समय होम मिनिस्टर कौन था, और फिर उस समय जो सरकार की जिम्मेदारी थी वो क्यों नहीं निभाई? हमें दुख इस बात का है, 14 का चुनाव चला गया, 17 का चुनाव चला गया, 19 का चुनाव चला है, इन्हें याद नहीं आया अपनी नाकामी पे जो वोट मांगे उनके लिए क्या कहना। और सवाल ये है कि महंगाई कम होगी कि नहीं कम होगी, आपके कारखाने लगे कि नहीं लगे, और भारत का पैसा तमाम उद्योगपति लेकर के भाग गए, उसका जवाब क्या देगी सरकार? तो ये सवाल बड़े हैं जो जनता जानती है। मेरा आखिरी सवाल, एक 45 साल का युवा बीजेपी के बड़े नेता और पार्टी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के लिए? ये समाजवादी सरकार बनने जा रही है, जाओ।